हेलो दोस्तों, पीएचपी के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे पोस्ट और गेट। ठीक है, पोस्ट और गेट मींस हम लोग जो लिखते हैं डॉलर साइन देते हैं, उसके बाद अंडरस्कोर देते हैं, उसके बाद कैपिटल लेटर में जो हम लोग पोस्ट लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद एंड डॉलर स्कोर अंडरस्कोर और गेट, जीएटी गेट। ये दोनों ही एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है दोस्तों। और सुपर ग्लोबल वेरिएबल मीन्स पीएचपी में कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल है जो पहले से ही पीएचपी प्रोग्रामर जो है वो उसको बिल्ड करके रखा है। ठीक है, इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ हम लोग नहीं देना पड़ता है, हम लोग को इसका डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं। और अलग अलग सुपर ग्लोबल वेरिएबल का अलग अलग यूज होता है। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट का और गेट का। दोनों ही वेरिएबल से एक काम तो हम लोग कर सकते हैं, फॉर्म का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट फॉर्म का डाटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो अधिकतर हम लोग उसके लिए पोस्ट मेथड ही यूज करते हैं, गेट मेथड यूज नहीं करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि फिर गेट मेथड का यूज कब किया जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के दौरान। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं ये दोनों मेथड को, फॉर्म डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं फॉर्म डाटा। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्म हम लोग को बनाना पड़ेगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले एक फॉर्म बना लेते हैं हम लोग, FORM फॉर्म। फॉर्म में आपको एक देना पड़ता है मेथड, और एक आता है आपका एक्शन। उसके बाद फिर फॉर्म को हम लोग क्लोज कर देते हैं, FORM फॉर्म। और फॉर्म के अंदर में हम लोग इनपुट टाइप लेंगे, एक इनपुट टाइप जो होगा हमारा टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट बॉक्स के लिए। और इसके लिए इसका जो नेम होगा वो हम रख देते हैं यूजर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होगा दोस्तों, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके ऊपर में ये डिस्प्ले करेगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजर नेम, यूजर नेम, और इसी प्रकार से और एक टेक्स्ट बॉक्स हम लोग ले लेते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट एंड देन पेस्ट। ठीक है, ये जो नेक्स्ट वाला जो हम लोग पेस्ट किया है ये टेक्स्ट ही रहेगा, बट इसका जो नेम रहेगा ये मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल, और प्लेस होल्डर जो रहेगा यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर ईमेल। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला जो रहेगा इसके लिए हम लोग बटन में क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पे सबमिट बटन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबमिट। और उसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर तो दरकार नहीं है, यहाँ पे हम लोग को दरकार पड़ेगा वैल्यू। तो वैल्यू के अंदर मैं लिखूंगा इंटर। बस इस प्रकार से एक फॉर्म जो होगा वो हमारा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे यूजर नेम, यहाँ पे यूजर ईमेल, और यहाँ पे इंटर सबमिट करने के लिए। अब ये जो डाटा हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे कुछ भी डाटा हम लोग टाइप कर रहे हैं इस प्रकार से, तो अब ये डाटा को हम लोग को कलेक्ट करना है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पे आपको पूछा जाता है मेथड। तो एक मेथड होता है पोस्ट, जिसके द्वारा हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये एक्शन क्या है दोस्तों, जैसे एक्शन देखिए यहाँ तीन पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ग्लोबल डॉट पी एच पी, एक गेट डॉट पी एच पी, एक पोस्ट डॉट पी एच पी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है मैं यहाँ से इस पोस्ट डॉट पी एच पी जो है यहाँ ले जाना चाहता हूँ। यूजर के द्वारा जो भी डाटा इंसर्ट होगा उस डाटा को मैं पोस्ट डॉट पी एच पी में ले जाके डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे कौन सा पेज का नाम देना पड़ेगा, पोस्ट डॉट पी एच पी। ठीक है, अगर मैं इसी पेज में रखता तो मैं यहाँ पे ग्लोबल डॉट पी एच पी लिख देता, या फिर और एक आता है आपका सर्वर करके ग्लोबल वेरिएबल है, उसका मदद से भी हम लोग प्रिंट करवा सकते थे, या डायरेक्ट नाम लिख देते ग्लोबल डॉट पी एच पी, तो भी ये यहाँ पे इसी पेज में डाटा को रिट्रीव करता वो। बट अभी हम लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं, पोस्ट डॉट पी एच पी में ले जाना चाहते हैं। तो ये इसका कोडिंग तो हो गया दोस्तों, इस पेज का कोडिंग हो गया। अब चलिए इस पेज का भी कोडिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पी एच पी लिखेंगे, और फिर पी एच पी को यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिए, अब यहाँ पे मैं ये डाटा कलेक्ट करता हूँ, ये इसका नाम मैं दे देता हूँ यूजर,
और उसके बाद में हम लोग को लिखना पड़ेगा डॉलर साइन अंडरस्कोर, उसके बाद पोस्ट और फिर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में यहाँ क्या लिखना है हम लोग को, देखिए यहाँ पे फॉर्म का जो नाम है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, फॉर्म का नाम यूजर है ना, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा यूजर। उसी प्रकार से जो और एक है तो हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, एक वेरिएबल हम बनाए ईमेल, और यहाँ पे हम लिख देंगे ईमेल, क्योंकि इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम लोगों ने क्या रखा था, ईमेल रखा था। यहाँ पे देखिए चेंज किया ना, हाँ ईमेल रखा है। अब इससे क्या होगा, अब इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं, पहले यहाँ पे सेव तो कर लिया, और इसको इको करके भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इको नेम डॉट, यहाँ पे मैं br दे देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आए, और उसके बाद फिर इको इको डॉलर साइन ईमेल। चलिए हमारा काम यहाँ तक खत्म हुआ है। अब इसको हम लोग इस बार रिफ्रेश करेंगे, आज यहाँ पे यूजर का नाम सोच लीजिए कि सचिन शर्मा है, और यहाँ पे यूजर का आईडी ये है सोच लीजिए। अब इसको मैं इंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल दिखा रहा लाइन नंबर 9 में और 10 में, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे ईमेल। अच्छा ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है ईमेल MAIL, ठीक है, और ऊपर में भी हम लोगों ने नेम लिखा है, जबकि यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को यूजर। अब फिर से एक बार जाते हैं हम लोग, रिटर्न होते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर से डाटा को हम लोग यहाँ सबमिट लिखते हैं, जैसे सचिन शर्मा और ये आपका ईमेल आईडी, और यहाँ पे देखिए जैसे सबमिट किए तो अब ये डाटा ले रहा है, ठीक है। और एक चीज इसको देखना चाहते हैं कैसे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, और उसके बाद ये नेटवर्क जो है यहाँ जाएंगे हम लोग। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ post.php का पेज आया, यहाँ क्लिक करेंगे हम लोग तो यहाँ पे इसके सारा डिटेल्स दे देगा, ठीक है ना। ये रिक्वेस्ट मेथड कौन सा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए पोस्ट है, और उसके बाद जो फॉर्म डाटा है हमारा, देखिए यूजर सचिन और ईमेल me.sachinsharma ये दिखा रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब इसी प्रकार से दोस्तों अभी यहाँ पे और एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए ये ऊपर यूआरएल में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, यूआरएल एकदम ब्लैंक है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर हम लोग पोस्ट की जगह में अगर गेट मेथड यूज करते, यहाँ पे पोस्ट की जगह में हम लोग गेट मेथड के थ्रू भी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। पहले मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अच्छा जब यहाँ पे हम लोग मेथड में गेट लिखे है, तो अब यहाँ जो वेरिएबल, इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो पोस्ट के द्वारा हम लोग उसमें डाल रहे थे वैल्यू को, अब हम लोग किससे लेंगे, गेट से लेंगे, तो यहाँ पे गेट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी हम लोगों को गेट लिखना पड़ेगा। अब चलिए फिर चलते हैं हम लोग इसको एक बार यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फिर से वही वैल्यू सचिन शर्मा, और उसके बाद ये और इंटर मार देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे सचिन शर्मा और यहाँ पे जो ईमेल आईडी हम लोगों ने लिया वो आया। यहाँ ऊपर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यूआरएल के थ्रू आता है। गेट क्यों होता है, गेट जो डाटा रहेगा वो आपको यूआरएल में डिस्प्ले होगा, यूआरएल के माध्यम से डाटा आएगा दूसरा पेज में, ठीक है ना। इसीलिए हम कभी भी फॉर्म का जो भी डाटा होता है, इंपॉर्टेंट डाटा रहता है, इसको यूआरएल के थ्रू में एक्सेस नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग ज्यादातर कौन सा मेथड यूज करते हैं, पोस्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अब गेट का मेथड कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो वो भी हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल post.php पोस्ट मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये जो पोस्ट का हम लोगों ने देखा है, अब हम लोग क्या देखेंगे, गेट के बारे में देखेंगे। चलिए गेट के बारे में हम लोगों को अब देखना है,
तो ये गेट वाला पेज है, ये पेज पूरा खाली है, ठीक है ना। इस पेज में मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं डिव लेता हूँ, डिव, और इसका मैं एक आईडी दे देता हूँ हेडर, और उसके बाद मैं इस डिव को बंद कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर में इस डिव का थोड़ा सा मैं स्टाइल देना चाहता हूँ, स्टाइल टैग की मदद से, STYLE स्टाइल। और यहाँ पे हम लोग को हैच लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने आईडी लिया है, तो ये आईडी सेलेक्टर है। अगर आप लोगों को सीएसएफ के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो आप लोग समझ जा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैक BOUND बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड का कलर मैं ब्लू रखना चाहता हूँ, ब्लू। ऐसे नॉर्मल कलर में वाइट रखना चाहता हूँ, वाइट। और जो फंट है, फंट इसका साइज जो है वो मैं रखना चाहता हूँ 35 पिक्सल, और जो इसका पैडिंग जो है वो मैं दे देता हूँ 25 पिक्सल। और उसके बाद जो टेक्स्ट है एलाइन, ALIN, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माय वेबसाइट। अब इसको थोड़ा हम रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ से हम जाते हैं कहाँ पे, get.php में हम लोग चलते हैं। get.php वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है। और इसके नीचे में यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लाइन जो है वो, हाँ स्पेलिंग गलत लिखा है ना, टेक्स्ट ALIN, अब इसको हम रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर में मैं और डिव एलिमेंट लूंगा, यहाँ जाता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो नाम है मैं रख देता हूँ कॉन्टेंट, CONTENT, कॉन्टेंट। और यहाँ से मैं ये सारा चीज़ को यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके बाद पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा CONTENT कॉन्टेंट। और यहाँ पे दो चीज़ मैं ऐड करूँगा, एक तो मार्जिन 0 ऑटो, ताकि ये सेंटर में आ जाए, और दूसरा इसका जो वाइड है WIDPH वाइड टू मैं कर दूंगा 60%, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंटेंट जो भी होगा आपका, यहाँ पे आप जो भी आपका कंटेंट है, ये है मान लीजिए कि ये आपका कंटेंट आईडी नंबर 1 है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर पेस्ट कर देता हूँ, ये है आपका कंटेंट आईडी 2, ठीक है। अब हम इसको जाएंगे और ऐसे करके डिस्प्ले करेंगे। बट अब क्या है कि दोस्तों, आप चाहते हैं कि ये जो वेबसाइट, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देके मैं एक आईडी सेट करना चाहता हूँ, जब ये आईडी यहाँ पे जो है इक्वल टू 1 सेट होगा तब ये कंटेंट आईडी 1 दिखाएगा और 2 ना दिखाएगा। और जब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, तब ये कंटेंट आईडी 2 दिखाई दे, 1 ना दिखाई दे। तो ये सब के लिए हम लोग गेट का यूज करते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को पीएचपी का कोडिंग लिखना पड़ेगा। तो हेडर तो दिखाई देना ही चाहिए, ठीक है ना, हेडर दिखाई देगा, ये हमारा कंडीशन है। अब यहाँ पे हम पीएचपी का कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूँ पीएचपी, ठीक है। उसके बाद में पीएचपी के बाद में यहाँ पे हम लोग डॉलर साइन देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं आईडी, और उसके बाद यहाँ पे
गेट, ठीक है, और फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम लोग आईडी लिखेंगे, ठीक है ना, हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग इफ, और इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे गेट इक्वल टू इक्वल टू वन। अगर ये वन है तो अगर ये वन है तो ये कंटेंट आईडी वन दिखेगा, अदरवाइज ये नहीं दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे पीएचपी को क्लोज करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ तक क्या किया हम लोग इफ स्टार्ट किए, और ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के लिए हम लोग इस प्रकार से क्लोज करके फिर एचटीएमएल का कोड लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिव एलिमेंट का जो कोड लिखा गया है ये कोड पूरा लिख सकते हैं, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको फिर से पीएचपी लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फिर से पीएचपी लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जो इसका ब्रैकेट है उसको बंद करके फिर पीएचपी को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से मैं फिर ये वाला चीज दूसरा जो आईडी है उसके लिए दे रहा हूँ यहाँ नीचे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को फिर क्वेश्चन मार्क पीएचपी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आईडी क्या है मैं चाहता हूँ टू, ठीक है ना, तब ये कंटेंट आईडी टू दिखाई देगा। तो फिर ये भी पीएचपी का जो है यहाँ पे हम लोग को बंद करना पड़ेगा, ये कंटेंट जो है यहाँ पे हम लोग इसको बंद कर देते। अब चलिए उसी पेज पे दोबारा, यही पेज है हमारा। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आईडी वन है, वेबसाइट यहाँ पे दिखा रहा है, ये कैसे हुआ, ठीक है। ग्लोबल गेट डॉट पी एच पी, गेट डॉट पी एच पी में यहाँ पे आपको अनडिफाइंड इंडेक्स दिखाई देगा, ये इससे कोई बात नहीं है। हाँ एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, चेक तो है ये ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पे गेट है ना, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार दूंगा और उसके बाद आईडी वन लिखूंगा। तो दोस्तों ये आईडी वन लिखने से कंटेंट आईडी जो है हमारा वो डिस्प्ले होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना। नहीं होने का रीजन है दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कोडिंग गलत लिखा है, क्योंकि गेट तो हम लोगों ने लिखा है लेकिन गेट के अंदर में यहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आईडी नहीं लिखा है इसके अंदर में, देखिए इस तरह से, तो वो कैसे दिखाएगा। फिर नीचे वाला में भी हम लोगों ने वही गलती किया है कि स्क्वायर ब्रैकेट दे के अंदर में इधर आईडी हम लोगों ने नहीं दिया है। अब हमारा ये चीज तो कंप्लीट हो गया, अब इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों ये मैं आईडी पहले आपको हटा के दिखाता हूँ। देखिए सिर्फ हम लोग गेट डॉट पी एच पी में जब जाएंगे तो सिर्फ वेलकम टू माई वेबसाइट आएगा, और ये जो दिखा रहा अनडिफाइंड इंडेक्स अनडिफाइंड इंडेक्स, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप एट द रेट दे दीजिए, मतलब ये सेट नहीं है, तो इस कारण से क्या हो रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर एट द रेट दे देंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि जब ये सेट होगा तभी उस वैल्यू को लेगा, अदरवाइज उसको नहीं देखेगा। अब यहाँ रिफ्रेश करिए तो देखिए यहाँ पे फिर भी एक अनडिफाइंड दिखा रहा है, वो दिखाएगा। वो अनडिफाइंड किसके लिए दिखा रहा है, ये ऊपर में जो हम लोगों ने यूज किया है। यहाँ पे मैं ई सेट कमांड यूज कर ले रहा हूँ, ये जब सेट हो जाए, ईज ईज सेट, ये फंक्शन है, ये ईज सेट मतलब जब ये वैल्यू सेट होगा तब, उससे पहले इसको वो नहीं रीड करेगा, रीड नहीं करेगा तो इसको अनडिफाइंड वेरिएबल वो नहीं दिखाएगा। जैसे कि अभी वो रीड कर रहा है तो अनडिफाइंड इंडेक्स दिखा रहा है, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए अब नहीं दिखा रहा कुछ भी। अब यहाँ पे जो हम लोग लिंक बनाएंगे, तो मान लीजिए जो लिंक होगा हमारा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, उसके बाद आईडी वन, यहाँ जब हम लोग करेंगे तो देखिए आईडी वन दिखा रहा है। उसके बाद में फिर आप यहाँ पे जब लिख के आप मारिए तो आईडी टू दिखा रहा है। उसी प्रकार से अगर आप आईडी थ्री है, जितना भी है आपका, इसको मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यही चीज है ना हमारा, इसको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद नीचे में हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ आईडी थ्री ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं आईडी थ्री। अब चलिए इसको अब यहाँ पे चेंज करिए और इंटर मारिए। देखिए जब आईडी थ्री है तो वो थ्री दिखाएगा, और जब वन रहेगा तो वो वन दिखाएगा, ठीक है ना। और इसी का जो लिंक रहेगा वो हम लोग इस पेज में कर लेते हैं, ए एच आर ई एफ रिफरेंस इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा जी ई टी गेट डॉट पी एच पी
और उसके बाद क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू नहीं, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर आईडी इक्वल टू, यहाँ हम लोग लिखे वन, इसको हम लोग बंद कर दिए और इसको हम लोग पेस्ट कर दिए और यहाँ पे लिखे आईडी वन। या मैं अपना मर्जी से लिख रहा हूँ, ये तो पेज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लिखना है। मैं जस्ट आपको एक फंडामेंटल जो होता है वो क्लियर कर रहा हूँ कि क्यों यूज किया जाता है विक्टर, जो यूज होता है वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग टू, यहाँ पे हम लोग थ्री। वेबसाइट डिजाइनिंग में दोस्तों इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। अब इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, हम लोग ग्लोबल वाला पेज में जाते हैं जो हमारा ग्लोबल डॉट पी एच पी का पेज था, ग्लोबल डॉट पी एच पी जी ओ ग्लोबल जी एल होगा ना, हाँ ग्लोबल डॉट पी एच पी। अब देखिए यहाँ पे आईडी वन, जब क्लिक करेंगे तो ये आईडी वन के साथ खुलेगा, जब क्लिक करेंगे तो आईडी टू के साथ खुलेगा, और जब क्लिक करेंगे तो आईडी थ्री के साथ खुलेगा। मैंने सब में आईडी वन आईडी वन आईडी वन लिखा था, यहाँ पे चेंज कर देंगे आईडी टू और आईडी थ्री। अब चलिए इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फिर से, रिफ्रेश, देखिए आईडी वन आईडी टू आईडी थ्री, जैसे क्लिक करेंगे आईडी थ्री आईडी वन। समझ में आ गया होगा दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।